भूमि है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास है। उत्तराखंड की देवी देव डोलियां सबसे आकर्षण का केंद्र होती हैं। कुंभ मेले में कुमाऊं और गढ़वाल से देव डोलियां हरिद्वार आकर शाही स्नान करेंगे। इसी के चलते देवभूमि लोक संस्कृति विरासती शोभा यात्रा समिति की ओर से महाकुंभ मेले के लिए श्री बद्रीनाथ और श्री हनुमान जी की पवित्र धर्म ध्वजा प्रेम नगर आश्रम में स्थापित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत मौजूद रहे। धर्म ध्वजा स्थापना के लिए वैदिक रीति रिवाज से कलश पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा का पाठ कर यजमानों ने धर्म ध्वजा स्थापित की। वही महिलाओं ने मंगल गीत, देव स्तुति गीत गाकर वातावरण को धार्मिक आस्था के रंग में पूरी तरह रंग दिया। समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है, सभी ने आशीर्वाद दिया है और आगे आने वाले समय में 25 तारीख को यहाँ पर देव डोलियाँ आएंगी और उत्तराखंड की देव संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के अंदर आपको पता है कि पिछले साल कोरोना होने के कारण लोग बद्रीनाथ नहीं जा सके, चार धाम नहीं जा सके। अब चारों धाम की डोलियाँ यहाँ पर आ रही हैं, गंगा स्नान को, कुंभ में शरीक होने को आ रही हैं। यहाँ पर जहाँ अमृत की बूंद गिरी थी, इमोर्टैलिटी का, इटर्नलिटी का जो संदेश दिया गया था, उस गंगा स्नान करने में हरिद्वार में पधार रही हैं और आपको सब उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। कुल्लू के अंदर जैसे दशहरा होता है, सारे देवी देवता वहाँ एकत्रित होते हैं रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए, ऐसे ही इस कुंभ के अंदर आपको पूरे उत्तराखंड की देवी देवताओं की झलक मिलेगी।